शांति का दान देंगे बस 15 मिनट। एक सीन क्या और है उसके बाद हमारे कैमरे से बॉडी रिलैक्स कार्यक्रम को विराम देंगे। हाय 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 ए रानी मां, हां या जो दीना पाक 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 आया भी आए सजा देने के बाद हाँ। जगिया अभी तक जीवित है क्या बोल रहे हैं? जगिया को अभी हम बंद करके रखे हैं। अभी तक जो जिंदा है हाँ। लेकिन वो है कहाँ हरामजादा? सुनो ना बताइए। अब जगिया नहीं मरता, नहीं मरेगा ना, जगिया को छोड़ दियो हाँ। सबसे बढ़िया तो ही मरी जा। साला मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं हरामजादा, हरमजादा का साहेजादा, मेरा नमक खाता है हरमजादा हाँ। और तुम उस जोगी फकीर के इधर बोलता है रे, अभी जोगी आप खींच कर ला रहे हैं, सुनिए ना हाँ। अगर वो अभी तक हरमजादा नहीं मरा है तो अभी उस हरमजादे को झोटा पकड़ के खींच करके हाँ। मेरे सामने में ला, इसलिए और मैं उस हरमजादे को देखना चाहती हूँ। आप देखना चाहते हैं? अगर वो हरमजादा अभी तक नहीं मरा है, अभी मैं उस हरामजादे को जब लाएगा उसके सीने पे मैं कील ठोकूंगी। आगे मैं आगे तेरा दादी का। किसको कर जा रहा है रे? जगिया का। लेकिन जोगिया तो अभी आम बात नहीं है, हम यहीं से चाबसी दे रहे हैं। आ तो जोगिया को कर जा रहे हैं, वो हरामजादा को पहले यहाँ ला तो सही। तेरा मायका साला अब क्या नाम बचवाएंगे? स्टैंड अप हो, स्टैंड अप। कहाँ पे लड़ता है? कुछ जगह में हरामजादा अगर मेरे कानून के अनुसार नहीं चलेंगे तो मैं ऊपर का चाम नीचे, नीचे नीचे का चाम ऊपर कर दूंगी। ये बीच वाला चाम की कर वो बीच वाला, ये जो बीच में बचेगा यहाँ पे इस बीच तरफ बीच बाजार में देखे हैं शिव जी का मंदिर है हाँ, वहाँ पे बहुत सारा कुत्ता देखी हूँ। कुत्ता हाँ, उस सारे कुत्तों को मैं एक एक बूटी बूटी करके खिला दूंगी, क्योंकि मैं महीने में 5 दिन यही रहती हूँ।
मुझे इतना दुख देने का तो हरमजादे ने मुझे अपना बहन मान रहा है। रानी माँ चल बोल, जंजीर लगा रहे हैं, जंजीर लगा रहे हैं, रस्सा से बांध रहे हैं। सुनिए ना, उस हरमजादों को जंजीर लगा करके खींचते हुए मेरे सामने में लाओ। अचुमी के लिया मंत्री जी, देखिए जो जगिया का हालत देखिए, साला इतना दुख देने के बाद हरामजादा अभी तक जिंदा है। पहले सुन मेरी बात को, इसके शरीर में जो ये माला पहना हुआ है, माला को भी खोल दीजिए, तब कील ठोकने में मजा आएगा। चल खोल। हाँ, ऐसा मत करो बच्चा, ये मेरे गुरुदेव ने दिए हैं, ऐसा मत करो। हाँ नाता रिश्ता टूटलो रे जोगी, भैया बहिनिया रे, भैया रे बहिनिया रे, आज पकब तो हारो रे पीलन रे की जोगी रे, आज पकब तो हारो रे पीलन रे की। आइए ना, माइक दीजिए पहले तो। पानी दो बार, मर जाऊंगा मैं तुम्हारे दरबार में, हरी पगली इतने दिनों से मैं धन दौलत के साथ ही आता था तो तू मुझे पहचान लेती। हाँ आज क्या हो गया रे बहन, क्यों अपने भाई को इतना सजा दे रही है? अरे हरमजादा, इतना मैं तुम्हें इतना सजा दे रही इस महल में हरमजादा, तुम मरता क्यों नहीं रे? और इतना सजा देने के बावजूद भी मुझे बान कर रहा हरमजादा, तुम नहीं जानता कि मैं बिरमा हूँ और मेरे भाई का नाम राजा गोपी चंद है। गोपिया खेलियों के पीरो पाचा बनो मारिया के, बच्चा बनो मारिया के, भूली गेला भैया या पालन जाओ, भूली गेला भैया या चिन्ह बोरे तू समा तोहा वो सुरतिया रे, तोहा वो सुरतिया रे, आज तकब तोहारा रे पीला रे की जोगी रे, तोरो तकब जाजू सिंह पीला रे की। मंत्री जी तो को हरमजादे को किल, हरमजादा का सहजादा आज तो मेरे हाथों से बच नहीं सकता है। मंत्री जी ठोको इसके साथ वकील, ठोक दो हरमजादा, इतना दुख देने के बाद ये हरमजादा मुझे बान मानने से इनकार नहीं हो रहा है। अगर ये अब मुझे अपना बान मान रहा है तो मैं इस समय इस हरमजादे को सीने पर खंजर भोक करके किल ठोक करके जब इसके शरीर से खून निकल आएंगे उसके बाद मैं सोच चुकी हूँ। मंत्री जी इस हरमजादे को खील टोकने के बाद भी अभी तक ये जिंदा है हरमजादा, इस हरमजादे को ऐसे नहीं मरेगा अगर मंत्री जी तो आप इस समय मुंगिया को बुलाइए और महल से 5 किलो नमक मंगाइए और 5 किलो नमक इस हरमजादे को मैं ये बोलन राजा में गोपी चंद्र हूँ,
इसका सब गोपी चंद छुड़ा दूंगी। नमक तैयार है, नमक तैयार है। लेके आ गया, अभी मैं इसके शरीर पर नमक छिड़कने वाली हूँ। नमक डाल चुकी हूँ और शरम जाने को इस समय कारागार में डाल दो। अभी डाल रहे हैं, लेके जाइए पानी, पानी, पानी। ए रवि मां, चल बोल, पानी मांग रहे हैं। ये पानी मांग रहा है, इस शरम जाने को पानी पी देना नहीं है। ये शरम जाने पानी के प्यास के कारण ये रंगला मर जाएगा और इस दरबार से तपड़ा दूंगी। और जब ये रंगला मर जाएंगे तब जाके मेरा कलेजा ठंडा हो जाएंगे। लेके जाइए जल्दी यहाँ से। अंदर के अंदर के अंदर रे चटिया रे, जाइए लेके जाइए। चल बोल, खत लिखा जाए, खत लिखा जाए। मेरा दुख हरण कहाँ है? और हमारे पर्दा को आप लोग मत उठाइएगा। मंत्री जी, चल बोल, इतना कष्ट देने के बाद हाँ ये जोगी आपको बहन क्यों कर रहे हैं? यही समझ में नहीं आ रही, इस बात को फरमाया जाए। प्रणाम, इस बात को आजमाया जाए रानी माँ। इससे आप नहीं पहचान रहे, बिल्कुल नहीं, लेकिन आपकी माँ जिन्होंने अपने कोख से जन्म दिया है, मुझे दिया है, मेरे भाई को भी दिया है, वो तो पहचान सकते हैं। हाँ, आप इसलिए खत लिखिए। खत लिखो, आयुष्मती कुमार मैं बीरमावती खत लिख रही हूँ। ठीक है, लिखिए जल्दी से। मेरे दरवाजे में एक जोगी महात्मा आए हैं, आए हैं, और वो धोनी राम आए बैठे है। हाँ। वो बार बार मुझे बहन कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं उसे भाई मानने से बिल्कुल इनकार हूँ, बिल्कुल इनकार हूँ। अगर माँ वो मेरी भाई है, हाँ, आप खाएंगे वहाँ, हाँ, आप सुखाएंगे कल्याण नगर में, सही कहते हैं, आप आने की प्रयास करेंगे। हाँ। अगर आप नहीं आएंगे, हाँ, आज मेरे हाथों से, हाँ, और जोगी का मौत हो जाएंगे, मौत। सही कहते हैं, चिट्ठी को मेरे मम्मी के पास भेज दीजिए। अब जाइए, ठीक है, मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर के बाद जब चिट्ठी आ जाएंगे तब आप मुझे बात कीजिएगा, ठीक है, मैं जा रही हूँ। और सुनिए ना, ये जो नमक दिख रहा है ना, इसे साफ करवा दीजिएगा। हमारा साफ नहीं, ठीक है, मैं हमारा साफ होता है। हमारे स्कोर आदमी कत्ता काम करिए बताओ। नमक साफ करे, गोबर साफ करे। बादुरिया दिया लगा मास्टर साहब, एक खत लग जाल दियो नगर गुजरात। बुढ़िया एक खत सुनते है ना, पढ़ते है, अमन कृष्ण कॉलेज और ठोके बुढ़िया जान दे देते है। हाय हाय हाय, या ज्योति ना हो अच्छा ली यही